हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज एसएसपी वेलकमिंग यू ऑल इन माय क्लास। दिस इज द चैनल वेर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इनिश मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड टू लर्न द एंटायर कॉन्सेप्ट। टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम फ्रॉम द चैप्टर बाबा न्यूटन का ज्ञान। हालांकि बाबा न्यूटन कहना गलत होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो बाबा न्यूटन थे ना, जिन्होंने ग्रेविटेशन लॉ दिया है, ये 500 साल पहले ही हमारे एक भारतीय आचार्य ने बहुत पहले ही ये डिस्कवर कर लिया था। नाम था उनका भास्कराचार्य। गूगल करिएगा और प्राउड फील करिएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन और ये सब क्रेडिट हमारे बाबा न्यूटन ले गए ना, वो बाबा न्यूटन का कुछ काम नहीं है, बाबा न्यूटन का देन ही नहीं है। यहाँ पर जो बाबा भास्कराचार्य हैं उन्होंने कहा था। लेकिन अब से याद रखना कि मैं जितने भी लेक्चर लूँगा उन सब जगह पर मैं बाबा न्यूटन की जगह पर बाबा भास्कराचार्य बोलूँ तो समझ जाना, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर है लॉस ऑफ मोशन। और प्रीवियस जो वीडियो आया था इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे बच्चा पार्टी स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके एग्जांपल देखे थे, उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया था, उससे पहले स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था, और उससे भी पहले आपको बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी भास्कराचार्य के नियम। चलिए, बाबा न्यूटन को थोड़ी क्रेडिट दे ही देते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोल है उनका, बट ये बात रियलिटी है, गूगल जरूर करिएगा आप लोग। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द क्लास। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ रिपोज। जिन बच्चा लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें आई थिंक यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज सिक्वेंस में चलते हैं तो ही मज़ा आता है। डायरेक्टली आप ये टॉपिक पे आओगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सब कुछ समझ में आए और आपको समुद्र की गहराइयों में निकाल करके बाहर लेके जाऊं और आप डूबो भी नहीं, आपको बहुत मजा आए। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को अगर देखना है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे कहीं भी टैप करो, आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दिखेगा। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियो। एंड डू वन थिंग बच्चा पार्टी, इफ यू रियली लव SSP देन हिट लाइक द बटन एज वेल एज वो जो सुंदर सा रेड वाला बटन है ना, उसे भी प्रेस कर दो, ताकि यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। व्यूअर नहीं, सब्सक्राइबर बने, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। लेट्स बिगिन द क्लास। सो हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो देखिए, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में मैं सबसे सटीक अगर सेंटेंस बोलूँ तो सबसे सटीक सेंटेंस ये होगा कि ये वो एंगल है जो ICU वाला एंगल है। इंसान ICU में कब जाता है? उसको पता रहता है क्रिटिकल स्टेज है, अब बचा तो बचा, नहीं तो फिर गया, समथिंग लाइक दैट। एक ऐसा क्रिटिकल एंगल जिसके बाद बॉडी जो है फिसल ही जाएगा। मैंने जिसके बाद कहा, इट इज़ दैट एंगल ऑन विच द बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। से फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बोलने से नहीं होगा, आप ये डायग्राम को देखिए ध्यान से। हमारे पास में यहाँ पे एक वेज है, इसको वेज बोलते हैं, या फिर ऐसे इंक्लाइन प्लेन समझ लीजिए, थीटा जितना एंगल है, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट वाला एग्जाम्पल फील करते हैं मेरा टैबलेट, चलो ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस तरह से ये ब्लॉक इस सरफेस पर है। अब क्या होगा कि जब आप एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर ये धीरे धीरे आप ऐसे एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हो, सो यू विल ऑब्जर्व कि जब ये ऐसे एंगल इंक्रीज़ होता है तो बस अब क्या होगा कि ये फिसल ही गया। मतलब कि एक पर्टिकुलर एंगल पर ये जस्ट फिसलने ही वाला है। तो ये वो वाली एंगल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, जहाँ पे द बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग बच्चा पार्टी। सो लेट अस सी इसके अंदर की कहानी क्या, सारी चीज़ों को हम फील करते हैं, फीलिंग के साथ पढ़ना, डोंट गो फॉर द रटाफिकेशन, ठीक है। इफ यू लर्न द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, द डे विल कम व्हेन यू विल रियलाइज दैट यू आर इन इश मोहब्बत विद द सब्जेक्ट, फिर दुनिया में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो ऐसा होता है जिसको बहुत एटीट्यूड है, वो तो कहता है मैं हमेशा नीचे ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया मरे चाहे जाए, भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, और वो है ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, वेट फोर्स, जो कि नीचे की तरफ है, और वो है MG, ठीक है। और एक फोर्स होता है MG की तरह ही, दूसरा वाला भी एटीट्यूड होता है, चाहे कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा सैया जी, मतलब ठीक है, समझ गया। ये ब्लॉक ऐसे है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा होता है नॉर्मल फोर्स, या फिर आप इसे रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, दैट इज कैपिटल N। हमें हमारा कैमरा चेक करना पड़ेगा, हाँ सही है, चल रहा है, होता है कभी कभी प्रॉब्लम, पढ़ा रहे हैं उधर कैमरा ही बंद हो जाता है।
तो देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg। अब क्योंकि ब्लॉक इस तरह से है तो आपके लिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपके लिए y होगी और ये वाली जो लाइन होगी वो आपके लिए क्या होगी, x। यानी अगर मैं देखूं तो इस तरफ ऐसे लग रहा है mg, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे एक्सपांड कर दूं तो दिख रहा है ये 90, दिख रहा है ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया भाई, थीटा हो गया, राइट। यानी यहाँ पर बन रहा है एक ऐसे एंगल थीटा, तो जिस तरफ थीटा होता है वहाँ पे थीटा का कौन सा कंपोनेंट काम करता है, दैट इज mg cos थीटा, और उसके अगेंस्ट में कौन सा काम करता है बच्चा पार्टी, mg sin थीटा, राइट। mg cos थीटा थीटा की तरफ और उसके अगेंस्ट में mg sin थीटा। अब क्योंकि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स है जो कि है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन आप कह दीजिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो रुका हुआ है, दैट फोर्स विल होल्ड द बॉडी ओवर हियर। यहाँ पे इस प्लेन पर ये वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, वो उसे रोक करके रखता है। खैर, रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, चलने लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं अगर इसकी FBD बनाऊँ, FBD मैंने बना दिया, और अगर मैं लिखूँ कि N इज इक्वल टू mg cos थीटा, यानी ऊपर की तरफ का फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ का फोर्स, इफ़ आई राइट सिग्मा fx इज इक्वल टू सिग्मा fy इज इक्वल टू जीरो, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है और नीचे की तरफ है mg cos थीटा। वहीं अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो प्रीवियस वीडियो का लिंक, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियसली पढ़ा दिया था, इसलिए हम उसके आगे चल रहे हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, सो म्यू एज इट इज, और इस एन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एम जी एंड देन कॉस थीटा। ये हो गया आपके लिए फ्रिक्शन, ये हो गया आपके लिए नॉर्मल फोर्स, इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर टू। अच्छा जरा ध्यान से देखो तो समझ में भी आएगा कि ये बॉडी नीचे कब स्लिप होकर के आ सकती है, कौन सा फोर्स है जो इस बॉडी को नीचे लेकर के आ रहा है, जो उसको ड्राइव करा रहा है, जो उसको चला रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स। और यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है जो इसको नीचे लेकर के आएगा, दैट इज व्हाट, mg sin थीटा। तो हम इसको f नॉट या फिर fd से समझ लेते हैं, ड्राइवर फोर्स, दैट इज mg sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर थ्री। कुल मिलाकर के बात करें बच्चा लोग, तो इसमें कितने फोर्स काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन है, mg sin थीटा है, नॉर्मल फोर्स है और mg cos थीटा है। अब जरा ध्यान से देखो, आप थीटा को स्लोली इंक्रीज करोगे, ये इस तरह से सिंबल बना रहा हूं, तो थीटा का मतलब हुआ आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो। वो एग्जांपल, चलो कुछ गिर गया, पैसा ही गिर गया, ठीक है। तो जब हम इस एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या हो रहा है, यू आर इंक्रीजिंग द एंगल फ्रॉम 0, 30, 60, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, तो 0 से 90 के पहले का हम सोचते हैं कि अगर हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जहां पर ये स्लिप हो जाएगा। स्लिप होने के बाद की कंडीशन नहीं, हम स्लिप होने के पहले का एंगल की बात कर रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। आप एंगल ऑफ रिपोज के बारे में ये लिख सकते हैं कि इट इज़ द क्रिटिकल एंगल एट विच द बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, जहाँ पर बॉडी स्लिप होने ही वाला है, द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग समझेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज मतलब गिरा देने वाला एंगल, नहीं, ये क्रिटिकल एंगल है, इस एंगल के बाद ही बॉडी स्लिप होगा। तो हम वो एंगल फाइंड करने जा रहे हैं जहाँ तक बॉडी रेस्ट मोड पर है, बॉडी स्लिप होने ही वाला है, स्लिप हुआ नहीं है अभी तक। तो देखो बच्चा लोग, अगर आप थीटा को इंक्रीज करोगे, दैट मीन्स 0 से आप बढ़ते जा रहे हैं 90 की तरफ, ठीक है। तो जरा देखिए, आप 0 डिग्री से 90 की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो ड्राइवर फोर्स है उसमें mg sin थीटा है, और sin थीटा कैसा फंक्शन है, अगर आप सोचो तो sin 0 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम थीटा की वैल्यू 0 से 90 कर रहे हैं, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं cos के बारे में सोचूं, तो cos 0 1 होता है, और जो cos 90 होता है बच्चा लोग, वो क्या होता है, 0। यानी इसकी जो वैल्यू है वो थीटा के इंक्रीज करने पर, 0 से 90 इंक्रीज होने पर sin की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। वहीं cos की मैं बात करूं तो 0 से 90 पर जाने पर वैल्यू 0 हो गया, मतलब cos की वैल्यू कम हुई है। तो ये बढ़ रहा है sin थीटा, इसके अंदर FD ड्राइवर फोर्स बढ़ रहा है, कब, जब हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम स्लोप को ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ड्राइवर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, राइट।
लेकिन अगर हम वहाँ पर देखें कि फ्रिक्शन फोर्स में कॉस थीटा है और नॉर्मल फोर्स में भी कॉस थीटा है, यानी ये वाला फोर्स धीरे धीरे वीक होता चला जाता है जब हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, और साथ ही साथ में फ्रिक्शन में आ रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो पूरा ये वैल्यू भी डिक्रीज होगा, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। इस तरह से मैं एरो शो कर देता हूँ। दैट मीन्स वॉट, वेन एवर वी विल इंक्रीज द स्लोप एंगल देन दिस ड्राइवर फोर्स इंक्रीजेस, बिकॉज 0 to 90 वी आर मूविंग टूवर्ड्स 0 to 90। एट द सेम टाइम वी विल सी दैट कि वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द एंगल बच्चा पार्टी, देन दिस कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ द कॉस थीटा द फ्रिक्शन फोर्स विल डिक्रीज। यानी नीचे वाला फोर्स इंक्रीज हो रहा है और ये वाला फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये वाला इतना पावरफुल होगा कि इसको मात दे दे, उसको मार दे। मतलब कि पहले ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, उसके बाद इसकी जो वैल्यू थी, हम ऐसा समझते हैं कि नीचे की तरफ 100 न्यूटन है और इस तरफ है 99 न्यूटन, फ्रिक्शन 99 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन है, तो सीधी सी बात है कि नीचे का फोर्स ज़्यादा है, द बॉडी विल स्लिप। और जब स्लिप नहीं कर रहा था, उसके ठीक एक स्टेज पहले की बात सोचो, तो उस टाइम पे एम जी साइन थीटा और स्मॉल एफ दोनों क्या थे, इक्वल थे, लेकिन जैसे ही एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा बॉडी स्लिप कर जाएगी। एक एंगल ऐसा भी होगा, एक थीटा एंगल ऐसा भी होगा जहां पर एम जी साइन थीटा और एफ दोनों इक्वल हैं, लेकिन उस थीटा के बाद क्या, उस थीटा के बाद ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि इससे ज़्यादा ताकतवर होगा, बॉडी स्लिप कर जाएगी। यानी बॉडी अगर स्लिप नहीं की है, बॉडी स्लिप होने ही वाली है, उसकी ठीक कंडीशन पहले की अगर हम बात कर लें, तो देखो क्या होगा कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दैट एम जी साइन थीटा ड्राइवर फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, हैंस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स विच इज वॉट म्यू इंटू एन, एंड एम जी इज साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन की जगह पर क्या है तो एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा हमने लिखा, एम जी से एम जी कैंसिल, तो साइन बाई कॉस क्या बन गया, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यानी कि म्यू क्या था बच्चा लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके बराबर में थीटा है। मान लेते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो अल्फा है, मान लेते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो क्या है, अल्फा है। अगर हमने ऐसा लिखा कि ये जो थीटा आ रहा है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, दैट एंगल ऑफ रिपोज इज अल्फा, अल्फा को मैंने ये कह दिया एंगल ऑफ रिपोज, मतलब ये वो एंगल जहां पर बॉडी अब गिर जाएगा, अभी तो थीटा था ना, ठीक है, लेकिन अल्फा को मैं क्या कह रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब कि अभी थीटा है, बॉडी गिरा नहीं है, और थीटा की वैल्यू अगर अल्फा के लेस में है, थीटा की वैल्यू अल्फा से कम है, तो क्या होगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक विल रिमेन एज इट इज, स्टेशनरी, रेस्ट मोड। लेकिन अगर थीटा इक्वल्स टू अल्फा है तो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, और जैसे ही थीटा ग्रेटर देन अल्फा हुआ तो क्या होगा, यानी कि अब ये एंगल उस एंगल ऑफ रिपोज को एक्सीड कर गया, उससे आगे चला गया, तब बॉडी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। और जब बॉडी स्लिप होगी, यानी जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी, तो उस टाइम उसका एक्सीलरेशन क्या रहा होगा, तब बॉडी जब नीचे की तरफ आएगा तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स होगा, इसे प्लीज नोट करिएगा, नेट फोर्स होगा mg sin theta माइनस पीछे की तरफ का फोर्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हमने ma, हैंस a इज इक्वल टू mg sin theta माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास। तो इस एक्सीलरेशन से बॉडी कहाँ पर आएगा, बॉडी नीचे की तरफ मूव होगा, कब, जब हम उस एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा पर हम अपने एंगल को सोच रहे हैं। एक बार फिर से देखिए क्या नोट करना है, उसे आप प्लीज़ नोट कर लो, मैं क्या कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन के, ठीक है, जितना प्यार से जितने ध्यान से सुनेंगे ना उतने अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए लिखे तो सही, आ गए हैं सलमान खान, थोड़ा थोड़ा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है,
एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहाँ पर बॉडी स्लिप होने ही वाला है। अगर हमारा एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम है, बॉडी रेस्ट मोड पे रहेगा, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है एंगल, तो बॉडी स्लिप कर जाएगा। और अगर दोनों इक्वल है, तो बस बॉडी फिसलने ही वाला है, बॉडी स्लाइड करने ही वाला है। एक और एग्जांपल से याद रखिए, हम एंगल को इंक्रीज कर रहे थे, ऐसे धीरे धीरे एंगल को इंक्रीज कर रहे थे। हमने देखा कि 0 से 30 डिग्री तक बॉडी स्लिप नहीं हुई, 0 से 30 डिग्री तक बॉडी स्लिप नहीं हुई, लेकिन 31 डिग्री पे बॉडी स्लिप हो गई। तो बताइए एंगल ऑफ रिपोज कितना है, एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री, यानी 20 डिग्री पे क्या होगा, रेस्ट मोड पे रहेगा। 10 डिग्री पर क्या होगा, रेस्ट मोड पर रहेगा। 40 डिग्री पर क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, और 30 डिग्री पे ही क्या होगा, तो बॉडी बस फिसलने ही वाला है। क्लियर हो गई बात। सो इफ समवन आस्क व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, क्लियरली यू हैव टू से कि भैया एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहाँ पर बॉडी स्लिप हो जाएगी। ये आपका डेरिवेशन, ये कौन सा एक्सीलरेशन है, इतने एक्सीलरेशन से बॉडी स्लिप करेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक बहुत अच्छा सा दिमाग में मेरे क्वेश्चन चल रहा है फ्रॉम द बुक पांडे जी। पांडे जी थोड़ा अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनके क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत एडिटिंग भगवान की कृपा से सीख रहे हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चा पार्टी, क्योंकि टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं कि उन बच्चों तक पहुँचे जहाँ पर लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस इंडस्ट्री में हमारे जैसे लोग भी हैं जो भला कर रहे हैं, तो मुहिम में साथ दीजिए और ज़रूर शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंच जाए। अगर एक स्टूडेंट तक भी पहुंचे ज़रूरतमंद तक, तो मेहनत हमारा सफल हो जाता है, ठीक है। देखिए एक व्हीकल है, गाड़ी व्हीकल, और उसके फ्रंट साइड में यहाँ पे एक ब्लॉक है। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को चलाऊंगा नहीं, तो वो तो गिर ही जाएगा ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, चिपका नहीं हुआ है। ये अलग है, ये अलग है, इसका मास कैपिटल M है। मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, आपके सामने एक बॉल आया या फिर एक ब्लॉक आया, वो गाड़ी के साथ चिपका हुआ है। आप स्पीड में इमेजिन करिए, फीलिंग के साथ, फिजिक्स फीलिंग के साथ करते हैं, वो सब छोड़ दो, फीलिंग के साथ। तो आप बहुत स्पीड में हैं, कुछ स्पीड्स हैं जिससे धड़ाक से आपके कांच पर आया, कार के कांच पर आया, और वो चिपक गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकेगी, वो नीचे गिर जाएगा। तो सवाल यही है कि आप इसको कितना फोर्स लगाएंगे, इस व्हीकल पर कितना फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये ब्लॉक गिरता नहीं है, उसके साथ चिपक करके आगे चल रहा है। ध्यान से देखिए, इसे दो तरह से किया जा सकता है। दो तरह से करने का मतलब है, एक है स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम दोनों तरह से करके देखते हैं इसको, ठीक है, आपको ताकि समझ में आ जाए, तो जो बच्चा लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं ग्राउंड, और आपने इसको देखा। जब आपने इसको देखा और ये व्हीकल चल रहा है, एक्सिलरेट है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप इसके FBD के बारे में सोचो, मतलब आपके लिए अगर आप ज़मीन से इसको देखोगे तो ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, इतने ही एक्सीलरेशन से जितने से व्हीकल चल रहा है, तो वो चल रहा है। तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इसके ऊपर सबसे पहली बात तो इसके और इसके बीच में बच्चा लोग फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, दैट इज़ F, नीचे की तरफ वेट फोर्स लग जाएगा MG, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट है, तो MA फोर्स लगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ तो वो जा नहीं रहा है, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, दैट मीन्स आई कैन राइट σFy = 0। σFy = 0 का मतलब होता है Y डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बैलेंस में है, यानी ऊपर की तरफ के फोर्स = नीचे की तरफ के फोर्स, इसका मतलब हुआ σFy = 0। दैट मीन्स आई कैन राइट F = mg, हम यहाँ लिख सकते हैं F = mg, ठीक है। अच्छा, F के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो F के जगह पर हम लिख सकते हैं μ into n। n क्या है, नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसकी सरफेस ऐसी है इसलिए परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। तो μn = mg, राइट। मैं FY = 0 लिखने पर ये इक्वेशन बना,
ये मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर वन। लेकिन अगर हम लिखें सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो बड़ी ना इंसाफी होगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस नहीं है, एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, एक्सिलरेशन ए है। तो आप लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए, और एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, तो एक्स डायरेक्शन में ये वाली फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, आप यहाँ पर एन समझिए नॉर्मल फोर्स, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए, ये इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो म्यू इंटू एन, एन की जगह पर क्या है एम ए, और इधर है एम जी, ये मास से मास घर पे चला गया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू जी अपॉन में म्यू। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स, तो फोर्स का इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, मम्मी के फॉर्मूले से एम प्लस एम, क्योंकि ये दोनों पर लग रहा है, और साथ में हो गया एक्सीलरेशन, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और एक्सीलरेशन की जगह पर क्या आएगा जी बाई म्यू, यानी कम से कम बच्चा लोग इतना फोर्स लगाएंगे तभी जा करके ये इसके साथ स्टिक रहेगा, गिरेगा नहीं, कंटिन्यू होगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को हमने ग्राउंड से लिया तो ऐसी सिचुएशन बनी। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर ये तो रेस्ट मोड पर है, लेकिन ये रेस्ट मोड पर कब है, जब आप इसी के ऊपर बैठ जाएंगे तब। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, देखने का तरीका मोशन को, एक होता है कि जहां पर आप खड़े हैं वो नॉन एक्सीलरेटिंग है, ग्राउंड आपके लिए नॉन एक्सीलरेटिंग था, आपके लिए ब्लॉक चल रहा था, है ना, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब कि आपके लिए ये रेस्ट हो, और आपके लिए रेस्ट कब होगा, जब आप इसी के ऊपर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ट्रेन में चल रहे हैं और आप अपने ट्रेन के अंदर जो बैग है उसको देख रहे हैं, तो आप ट्रेन में हैं, बैग को देख रहे हैं, तो वो आपके लिए हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक्सीलरेटिंग वाला फ्रेम, वो चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, वो एक्सीलरेट कर रहा है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप ग्राउंड से देखते हो, ग्राउंड से, तो ग्राउंड आपके लिए क्या है, ग्राउंड आपके लिए नॉन एक्सीलरेटिंग है, ब्लॉक चलता हुआ दिखेगा, बैग चलता हुआ दिखेगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो लेक्चर नंबर टू में एक्सप्लेन किया है, तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इस पर चर्चा कम करता हूँ। अच्छा, अब आपने बोला कि सर आपने इसे ग्राउंड से सॉल्व किया, अगर अब इसी को यहाँ से सॉल्व करते हैं, कि मान लो कि आप इसी ब्लॉक पर बैठे हो और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये रेस्ट मोड में है, ठीक है, रेस्ट मोड में है, और जब भी कोई बॉडी रेस्ट मोड पर आपको लगे लेकिन रियल में वो ऐसे चल रही है, आपके लिए आप समझ लीजिए कि ट्रेन है, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और इस बैग को देख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, रेस्ट मोड में, लेकिन रियल में रेस्ट नहीं है, रियल में तो ट्रेन चल रहा है ना, तो बैग भी चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जिधर मोशन है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में हम एक फोर्स को एज्यूम करते हैं, और वो फोर्स हमारे लिए कौन सी फोर्स होती है, यस दैट इज स्यूडो फोर्स। यानी अब इसी को हम डायग्राम को पिक्चराइज करें, तो इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, नॉर्मल फोर्स, पीछे की तरफ हो जाएगा स्यूडो फोर्स एम ए, ऊपर की तरफ है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, और नीचे की तरफ कौन सा है एम जी, ये ब्लॉक नीचे गिरा नहीं, एम जी है, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होगा, इसके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपके लिए वो रेस्ट मोड पर है, तो एन इज इक्वल टू एम ए, बात कहें देखा जाए तो बच्चा लोग एक ही है, यहाँ पर भी देखिए एन बराबर एम ए आया, फर्क सिर्फ इतना है कि सिग्मा एफ एक्स एन था उसके बराबर में आपने एम ए कर दिया, और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स जीरो है क्योंकि आपके लिए वो रेस्ट मोड पर है, तो राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है। इसी तरह से सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो फिर एफ इज इक्वल टू क्या होगा एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू सेम आ गया, बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, चाहे वो एक्सीलरेटिंग से करो चाहे नॉन एक्सीलरेटिंग से करो, आंसर हमेशा परफेक्ट रहता है, एंड 90% अपने क्वेश्चन को नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस तरह से सॉल्व करने का, राइट साइड पीछे लेफ्ट साइड, राइट साइड पीछे लेफ्ट साइड इन द सेंस जहाँ पर मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करना, स्यूडो फोर्स ले लेना। ठीक है, रात ये काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो माफ़ी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चा लोग, इसको आप तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की एक ब्लॉक है, कितने किलोग्राम की है? 1 किलोग्राम की एक ब्लॉक है और उसको रखा गया है 30 डिग्री के एक इंक्लाइंड सरफेस पर, इस तरह से बोल रहा है 30 डिग्री के इंक्लाइंड सरफेस पर। और ऐसा भी बोलता है इस क्वेश्चन में कि द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, ये ब्लॉक गिरने ही वाला है, तो इसके और इसके सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? चाहे तो इसे एक लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन के वर्ड को अच्छे से मेमोरी कार्ड में स्टोर करो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक नीट एंड जेई कॉम्पिटिशन को अगर फेस करना है, तो हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया है, उसे अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर करो। यहाँ पर है द बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहा है, एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है एन, और नीचे की तरफ है एम जी कॉस थीटा, ये 100% एम जी साइन थीटा, और इस तरफ है फ्रिक्शन फोर्स, तो थोड़ी देर पहले ही तुमने किया था। लीजिए स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, बॉडी स्लिप कर रही है ऐसा थोड़ी ना बोला है। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, हाँ सही है। और इस फ्रिक्शन की जगह पर फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन, दैट इज एम जी साइन थीटा, और फिर म्यू और ये एन की जगह पर क्या है? एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी से एम जी कैंसल, सो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने आपसे क्या कहा? एक लाइन का ही ये क्वेश्चन है, तो एंगल ऑफ रिपोज टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन को इतना बड़ा सॉल्व ना करें, सीधा सीधा म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा अप्लाई कर दो। बॉडी अगर गिर नहीं रही है तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा है, राइट? अच्छा, म्यू हमें पूछा था, टेन थीटा की जगह पर दिया है भाई 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो गया भाइयों? 1/√3, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बच्चा लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टन 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 टन, यस, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन की क्वेश्चन दिया हुआ, और इसमें तीन चीज़ें पूछी हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, और ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? दैट इज योर मेन क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, तो ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए आप सबसे पहले सोचो कि ब्लॉक को कितने फोर्स को झेलना पड़ रहा है, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो एक फोर्स बच्चा पार्टी आंख बंद करके ढेंटेड इधर हो जाएगा, दैट इज ड्राइवर फोर्स, और ये अगर एफ डी है या फिर आप इसे एफ नॉट किसी से भी रिप्रेजेंट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो होगा एम जी साइन थीटा। मास दिया है 6, जी दी है 10 एंड साइन 60 विच इज √3/2, तो ये हो गया 30√3। यस, 30√3, और इसका जो सॉल्यूशन है 30√3 का हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, 52, ठीक है, ये है 52 न्यूटन, यानी नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 52 न्यूटन है। अब नीचे की तरफ तो 52 न्यूटन है, ब्लॉक रेस्ट मोड में रहेगा, उसके लिए एफ एस मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी? तो म्यू इंटू एन। देखो अगर म्यू एस और म्यू के अलग से दिया है तो आपको ये पहले निकाल लेना चाहिए, कभी भी गलती मत करना। म्यू की जगह पर म्यू एस, एफ एस मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो विच इज 0.6 इंटू नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पर है कैपिटल एन और नीचे की तरफ है बच्चा लोग एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये जो एफ नॉट था वो था आपके लिए एम जी साइन 60, हाँ एम जी साइन 60 और एम जी कॉस थीटा, तो एन की जगह पर हम लिख देते हैं एम जी कॉस 60, 0.6, मास 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 इज 6, 10 एंड कॉस 60 इज 1/2, तो भाई कटेंगे तो 18 न्यूटन आएगा। अब देखिए साफ साफ पता चल रहा है
52 न्यूटन का फोर्स इधर है और इसको मेंटेन करने के लिए ब्लॉक ना गिरे उसके लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमेशा फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पहले से लग रही है 18 न्यूटन की, 18 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लग सकता। ब्लॉक रेस्ट मोड में अगर रहना चाहता है तो मैक्सिमम 18 न्यूटन फोर्स लगा है। तो और अब कितनी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि एफ ओ इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एफ प्लस 18, क्योंकि राइट साइड का फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स, तभी तो ब्लॉक गिर नहीं रहा। और ये जो है ये आपका है 52, ये आपका टास्क है, प्लस 18 यानी कि एफ इज इक्वल टू 52 माइनस 18, 34 न्यूटन। और 34 न्यूटन उधर लगेगा कैपिटल एफ, तभी ब्लॉक रेस्ट मोड पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट आपसे पूछता है कि मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब बच्चा देखो ये ब्लॉक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इमेजिन करिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन नहीं है भाई, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो एक्सीलरेशन भजिया मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है ना, एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। एक्सीलरेशन जीरो तो नेट फोर्स भी जीरो, मतलब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या कहते हैं, राइट साइड का फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स। बट बच्चा पार्टी ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, यहां पे एफ ओ था, ठीक है, एफ आपका टास्क था, अब ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो पीछे फ्रिक्शन तो लगेगा 100%, बट वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, 101% काइनेटिक, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है तो चलते टाइम जो पीछे फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ के, और ब्लॉक रेस्ट मोड पर है इसीलिए एफ ओ इज इक्वल टू राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, दैट इज एफ प्लस एफ के। और अब की बार मोदी सरकार, कहने का मतलब है कि हम निकाल सकते हैं कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ ओ या फिर ओरिजिनल या फिर ड्राइवर फोर्स, जो समझना समझिए, और साथ में एफ के। अच्छा, एफ के भी अलग से निकालना पड़ेगा, तो एफ के का फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है तो दैट इज 0.4, और एन कितना है बच्चा लोग, तो 6 इंटू 10 एम जी कॉस 60 1/2। तो अब आपने यहाँ पे 4/10 कर दिया, 12 न्यूटन, ठीक है, हाँ 12 न्यूटन। तो ये आ गया एफ नॉट 54 माइनस एफ के, एफ के कितना है 12 न्यूटन, 42 न्यूटन फोर्स लगेगा। जब यहां पर 42 न्यूटन फोर्स लगेगा तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ एनी फोर्सेस। 54 न्यूटन था, सॉरी यहाँ पे 52 है, अच्छा ये 52 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, लिखा है मूव द ब्लॉक अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 m/s². अब ब्लॉक मूव हो रहा है ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से, एक्सेलरेशन है इसका मतलब कि उसमें फोर्स आया हुआ है, उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, उस पर नेट फोर्स लगा हुआ है। तो अब देखिए इसकी एफ बी डी क्या होगी, तो ये ब्लॉक था इस तरह से और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो एफ तो आपको चाहिए ही, ये वाला एफ चाहिए ही। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा क्योंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, चल रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, रुका होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन ब्लॉक मूव हो रहा है तो काइनेटिक है, अगर उस तरफ मूव हो रहा है तो काइनेटिक पीछे की तरफ लग जाएगा एफ के, और पीछे हमारा एफ जीरो तो था ही ड्राइवर फोर्स, ठीक है। तो अब क्योंकि ब्लॉक इस तरफ मूव हो रहा है तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तभी तो वो उस तरफ चल रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, तो एफ माइनस एफ ओ माइनस एफ के इज इक्वल टू हम लिखेंगे एम इंटू ए, नेट फोर्स एम इंटू ए। और एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन है 4 m/s², दिस इज योर टास्क, एफ नॉट इज 52 प्लस एफ के, एफ के इज वॉट, एफ के इज 12 एज वेल एज दिस मास, मास इज 6 टू 4 24,
तो 4 4 8 5 1 6 2 8 88 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो. ठीक है. सो बच्चा पार्टी, दिस इज डन फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू हैव लाइक द क्लास, एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग द क्लास देन डोंट फॉरगेट टू शेयर द क्लास, बिकॉज एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं कि हमारे इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत जगह पर हैं जहाँ पर कोचिंग अफोर्ड नहीं हो सकती, तो उनके लिए इतनी हार्डवर्क है. रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम को भी शूट करना होता तो करते हैं, क्योंकि आप लोगों की दुआएं साथ में रहती हैं. तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच. आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, उससे बहुत खुशी मिलती है. तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह फिज़िक्स को लेकर के मैं बना रहूँगा, और आप भी खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिज़िक्स पढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल दैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. सब्सक्राइब कर लीजिए, आए हैं तो करके भी तो जाइए.